प्यारे बच्चों, एक सवाल मेरा आप लोगों से, सभी से, और बच्चे भी उत्तर देंगे। जो बच्चा सवाल का जवाब देगा फिर उस बच्चे को हम पुरस्कार देंगे अंत में, इसलिए सारे बच्चे खूब जोर से उत्तर देंगे। बच्चों, आप सब मुझे बताइएगा कि संसार में प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है, दुख चाहता है या सुख? देखो, प्रत्येक बच्चा बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दे रहा है, प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है, सुख चाहता है। दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। एक चींटी देखी आप लोगों ने, चींटी, चींटी को जब हाथ लगाते हैं तो वो भी क्या करती है, दौड़ती है, क्योंकि उसको भी क्या होता है, कष्ट होता है। उसको भी ये आभास हो रहा है कि यदि तुझे पकड़ेंगे, तुझे दबाएंगे तो तुझे क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। यानी प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी दुनिया में, संसार में सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहता है तो खाली चाहने से मिल जाएगा क्या? यदि सुख चाहते हैं तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख प्राप्त करने वाले कर्म करने पड़ेंगे। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो, जोर से बोलो, अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो, बोलो। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, और सुख यदि प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूपेण, इसमें कोई दो राय नहीं है लोगों के। जब पूछा ऋषियों से, लोगों से, मनीषियों से, विद्वानों से पूछा कि भाई ये सुख प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, तो ऋषियों ने कहा कि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर चलो। किस मार्ग पर चलो बच्चों? लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था कि धर्म के मार्ग पर चलो, तो एक बच्चा खड़ा होकर के कहने लगा, जी कौन से धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वर्तमान समय में ये बड़ी समस्या है समाज के सामने। नौजवान बच्चे आज कहते हैं कि जी कौन से धर्म के मार्ग पर चले, अर्थात उनकी मस्तिष्क को यह समझने में बड़ी कठिनाई वर्तमान समय में हो रही है कि हम किस चीज को धर्म माने। आज इतने सारे मत मतांतर बच्चों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, कि उनको धर्म बता करके उस चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है जो धर्म नहीं है। देखो बच्चों, छोटी सूक्ष्म सी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता चला है कि सुख प्राप्त करना है तो किस मार्ग पर चलना पड़ेगा, बोलो, धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो उत्तर आया कि धर्म को जाने कहां से, फिर धर्म है क्या? तो ऋषियों ने कहा है, मनीषियों ने बताया है कि धर्म में और एक शब्द और है, मत। क्या शब्द है, जरा जोर से बोलो बच्चों। धर्म में और मत में अंतर है। धार्यते इति धर्मः, जो समान रूप से सबके लिए धारण किया जाए वो क्या है, बोलो, धर्म है। और मत क्या है? मति कहते बुद्धि को। मत मैंने बुद्धि, अपनी बुद्धि से किसी व्यक्ति के द्वारा, एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो मत से, अपनी बुद्धि से चलाया गया रास्ता है वो मत कहलाता है। और मत, मत में अंतर होता है, लेकिन धर्म, बोलो, एक ही। धर्म सबके लिए एक है, वो शाश्वत है, और उस धर्म को जानकर ही सुख प्राप्त होगा। यदि सुख पाना चाहते हो, शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म को जानो। तो फिर पता चला कि धर्म कहां से जाना जाएगा, कैसे पता चलेगा कि ये मत है, वो धर्म है? तो फिर ऋषियों ने कहा कि इसकी भी एक कसौटी है, यदि जानना चाहते हो कि ये मत है और ये धर्म है, इसमें अंतर कैसे पैदा करोगे, तो ऋषि लोग कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। यानी यदि धर्म जानना चाहते हो तो किसके पास जाना पड़ेगा, जरा जोर से बोलो, वेद के पास जाना पड़ेगा, शास्त्र के पास जाना पड़ेगा, वेद के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद के माध्यम से ही सत्य असत्य का विवेक पैदा होता है, वेद के माध्यम से ही धर्म अधर्म का पता चलता है, वेद के माध्यम से ही पता चलता है किसी व्यक्ति ने बनाया है या ये फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त कोई मार्ग है। तो धर्म का पता चलेगा वेद के माध्यम से, लेकिन एक व्यक्ति कहने लगा, जी वेद का पता कैसे चलेगा, वेद का मूल क्या है, आपने ये तो कह दिया कि धर्म का मूल वेद है, तो वेद का जरा मूल बताओ, वेद का मूल कौन है, कहां से आया वेद? परमपिता परमेश्वर से आया है। परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है। बंधुओं, में बहुत बहुत सूक्ष्म सी चर्चा आपके बीच में करना चाहूंगा, जरा गहराई से पकड़ेंगे आज के व्याख्यान को आप सब,
काफी लंबे समय से आप लोग व्याख्यान सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे विद्वानों को आप लोगों ने सुना होगा। जरा मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं। वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है आपने कहा, तो जरा मुझे बताएं वेद के मायने क्या है, वेद किसे कहते हैं, कोई बताए? ज्ञान। बहुत अच्छा, उत्तर दीजिएगा अच्छा लगेगा। वेद के मायने क्या है बोलो? ज्ञान, नॉलेज है, ज्ञान है। वेद के मायने किताब नहीं है, वेद के मायने बुक नहीं है, वेद के मायने क्या है जरा जोर से बोलो? ज्ञान। अच्छा, ये ज्ञान किसका है? ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का, ये ज्ञान ईश्वर का है। अब एक सवाल मेरा आपसे आ रहा है, एक व्यक्ति एक दिन मुझसे कहने लगा कि आचार्य जी एक चीज बताओ, ना तो परमात्मा के पाणी, पाणी मैंने हाथ, और ना परमात्मा को वाणी, तो कहां से आई वेद वाणी? एक व्यक्ति ने जब ये खड़ा होकर के सभा के अंदर कहा कि ना परमात्मा के वाणी ना परमात्मा के पाणी, तो कहां से आई वेद वाणी? अब जरा इसका उत्तर सुनना, इसका उत्तर यह है कि वाणी की और पाणी अर्थात हाथ की आवश्यकता उसे पड़ती है जो एक देसी हो। क्या हो बोलो? एक देसी, जो साकार हो। निराकार को न पाणी की आवश्यकता पड़ती है और न बोलो वाणी की आवश्यकता पड़ती है। जो निराकार होता है वो कण कण में समाया हुआ है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, सामान्यतया उदाहरण, समझ में आ जाएगा सर, कि ईश्वर ने वेद का ज्ञान कैसे दिया। ईश्वर ने मनुष्य को वेद का ज्ञान, और ईश्वर के पास ही वेद का ज्ञान है, ये कैसे सिद्ध होगा? प्राय लोग सवाल कर देते हैं सही से। मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसे सुभाष जी मेरे पास यहां बैठे, अच्छा सुभाष जी यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर और मुझे अपने पास बुलाने हो तो मुझे जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, सुभाष जी इधर आओ। अच्छा, ये 500 मीटर ना होकर के 100 मीटर ही हो मुझसे, तो क्या तब भी उतनी आवाज लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। अच्छा, वहां से उठ करके ये मेरे बिल्कुल निकट आ जाए, नजदीक आ जाए, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर आ जाए, तो और कम आवाज लगानी पड़ेगी। और ये बिल्कुल मेरे नजदीक आ जाए, कान के बिल्कुल करीब आ जाए, तो क्या तब भी उतनी आवाज लगानी पड़ेगी? नहीं, तब बिल्कुल कम आवाज लगानी पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमात्मा केवल बाहरी है या अंदर भी है? अंदर भी है। परमपिता परमात्मा लोगों बाहर भी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में ईश्वर है, वो हमारे अंदर भी है। इसलिए अंदर बैठे हुए ईश्वर को ज्ञान देने के लिए न तो पाणी की आवश्यकता है और न बोलो वाणी की आवश्यकता है। अंतःकरण से प्रेरित करता है ईश्वर, अंदर बैठा हुआ है। मनुष्यतम ऋषियों को, मनुष्यकम ऋषियों को, ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके हृदय में वेद का ज्ञान दिया और बताया लोगों को। क्योंकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रयोग करना है, एक बुकलेट जारी करता है, अरे परमात्मा ने तो सृष्टि का ज्ञान हमको बना करके दिया है, ये सृष्टि है लोगों, ये जो हमको दिखाई दे रहा है प्रकृति का विकृत रूप है, ये सत्व रज तम से बन करके सृष्टि परमात्मा ने बनाई। कैसे सूर्य का प्रयोग करें, चंद्रमा का प्रयोग करें, किस प्रकार से इनसे अनेक उद्योग खड़े करें, कैसे अपना जीवन चलाएं और सुख प्राप्त कैसे करें, इस सृष्टि के अनन्य उपभोग के बारे में जो ईश्वर ने जानकारी दी है, वो जानकारी क्या है जरा जोर से बोल दो? वेद है। इसलिए वेद के मायने किताब से नहीं, जरा जोर से बोल दो एक बार और, वेद के मायने क्या है? ज्ञान से है, नॉलेज से है।